Alright, so today's video is very interested as well as very serious. तो interested lovers के लिए और serious मेरे लिए. इतनी serious कि देखो मैं अपनी tie भी लगाना भूल गया. As you can see, tie भी नहीं है, तैयार भी नहीं हुआ ढंग से, but topic is very interesting. तो अगर आप एक lover हो, आप एक lover हो और आपने love marriage की हुई है और कुछ समय बाद उस लड़की के parents उस लड़की को वापस ले जाते हैं और आपको बोलते हैं कि ये हमारी बेटी है, हम ये शादी नहीं मानेंगे और ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको उस लड़की को यानी कि अपनी वाइफ को बुलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट इट इंट्रो. जस्ट अ यंग गर्ल विद द क्विक फ्यूज, आई वाज अपटाइट, वांट टू लेट लूज, आई वाज ड्रीमिंग अ बिगर थिंग्स एंड वांट टू लीव माय ओल्ड लाइफ बिहाइंड. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं. इस चीज़ का फ़ायदा आप तभी उठा सकते हो जब आपने जो मैरिज है वो लीगल की हुई है, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट है, सारा कुछ है. आप आपने लीगल मैरिज की हुई है, ये नहीं आपने उसे भगाया हुआ है और मंदिर में जाके कोई और स्टेप उठाया हुआ है, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते. लेकिन अगर आपने लीगल मैरिज की हुई है थ्रू कोर्ट के द्वारा, आपके पास सर्टिफिकेट है, एवरीथिंग सब कुछ है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहला पॉइंट आता है सेक्शन 9 के तहत आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, यानी कि कंजुगल राइट्स. इसमें क्या होता है, किसी की वाइफ चली जाती है तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन पास करते हैं जिससे कि वो वापस उसे बुलाते हैं उस एप्लीकेशन के तहत. अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से आप सेक्शन 9 के जो बेसिक पॉइंट्स है वो समझ सकते हो. बट आप फॉर्मली समझ लो कि जो सेक्शन 9 है वो अप्लाई करना पड़ता है आप अपनी वाइफ को बुलाने के लिए. गॉट इट? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, आप ये पॉइंट फॉलो कर सकते हो. एंड द सेकंड थिंग इज आप रिट डाल सकते हो. रिट फंडामेंटल राइट्स में एक रिट होती है. अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं तो आप एक रिट डाल सकते हो. तो रिट हो गया हैबियस कॉर्पस नाम की एक रिट होगी. इसमें क्या होता है, अनलॉफुल डिटेंशन, यानी कि कोई किसी को ज़बरदस्ती बंधक बना ले. अब इस केस में क्या है, आपकी वाइफ को बंधक बना लिया, ना उसे आने दे रहे हैं, ना उसे कुछ बातचीत करने दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, आपको हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 के तहत हैबियस कॉर्पस की एक रिट फाइल करनी है. ये काम आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32, बट पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा. हाई कोर्ट आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हो, जो भी आपका स्टेट है, पंजाब है, चेन मतलब कुछ भी है, तो आप उसके तहत देख सकते हो. गॉट इट? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बट फ्रॉम योर साइड सब्सक्रिप्शन लाइक्स एंड शेयर्स आर रिमेनिंग. सो डू इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.